Panda. I got broads in Atlanta. Since you don't need a fan. Credit cards and scammers. Getting no licks in the band. Legacies. हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ये कल दोपहर वाले से हो रहा है, क्योंकि कल दोपहर मैं गई थी बाहर कुछ काम के लिए और मैं वहाँ से वापसी पे तत्तू के लिए जो है वो बॉयल ये जो छली है ये लेकर आई थी। और इस पर जो है ना वो एक मैंने ले ली थी और एक तत्तू के लिए रख दी थी और इस पर मसाला लगा के खा रही थी। मैं ज़्यादा वैसे मसाला लगा के नहीं खा सकती, लेकिन इस पर तत्तू ने सही भर भर के मसाला लगाया था। और इसके साथ जो है मैं कॉम्बो में खा रही थी ये लेज चिप्स, जो क्लासिक फ्लेवर है ये वो खा रही थी मैं। और कभी आप लोग भी ये ट्राई करके देखिएगा, साथ में छली और साथ में जो है वो लेज चिप्स, बहुत अच्छा लगता है। और तत्तू की ये जो है ना वो मोस्ट फेवरेट चीज़ है, जो भी बंदा अगर उसके लिए ले आए ना, मतलब उसे गिफ्ट देना तो ये दे दें मजाक कर रही हूँ, लेकिन वो इतना मतलब जो भी बाहर जाता है ना उसको बोलती है मेरे लिए छली ज़रूर लेकर आना। पता नहीं अब उसका क्या ऑब्सेशन है इससे, उसको बहुत मज़े की लगती है। वैसे ये होती भी बहुत मज़े की है, पर बाहर से बंदा कोई और भी चीज़ मंगा सकता है, लेकिन तत्तू ने यही जो उसके लिए ये लेकर आता है ना बाहर से, उसके साथ वो बिल्कुल खुश खुश रहती है। और खाते खाते जो है ना वो बेड पे भी थोड़ा सा मुझसे गिर गया था, तो मैं उसको साफ़ कर रही थी, झाड़ वाड़ रही थी और साथ में लेज खा रही थी। और मुझे ये दोनों चीज़ों जो है ना साथ साथ खाना अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद पता नहीं ये सबके साथ होता है या मेरे साथ ही होता है कि मुझे ना ज़्यादा लेज खाऊँ, वैसे तो मैं ज़्यादा खाती नहीं, लेकिन खा लूँ तो ये जो टंग पे ना हल्के हल्के से वो जो छाले से बन जाते हैं वो बन जाते हैं, जिन्हें बॉयल्स कहते हैं वो बन जाते हैं मुंह में, तो मैं नहीं खा सकती ज़्यादा लेज़ वगैरह, लेकिन मैं फिर भी पंगे लेके कभी कभी खा लेती हूँ। उसके बाद जो है वो मैं आटा जो है वो गूंदने लग गई थी, और जब मैं आटा गूंद रही थी तो मेरे दिमाग में एक स्टोरी आ रही थी। वो स्टोरी ये थी कि हम जब नानी के घर पर जाते थे, तो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया कि मैंने आटा सबसे पहले वहाँ पर गूंदा था एक बार छोटे थे तब। और मेरी नानी का ना एक रूम होता था, स्पेशल उनका रूम था, जहाँ पर काफ़ी सारी ऊपर, क्योंकि मेरे नाना बुकी ना एक तरह से बहुत काफ़ी बड़ा सा घर था, हवेली थी वो बिल्कुल। अब तो खैर वो और तरह से कर दिया है, क्योंकि मामू ने ना पार्टीशन कर लिया आपस में, तो वो एक और तरह से हो गया, लेकिन वो हवेली थी काफ़ी बड़ी सी। और उसमें मेरी नानी का ऊपर छत पे कमरा था, और छत पे जो कमरा था वो उसमें चारपाइयाँ थीं और जार्स थे बड़े बड़े, वो जो जो होते ना मिट्टी के जार होते हैं बड़े बड़े, जिसमें उन्हें पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे उनका एग्जैक्ट उर्दू में नाम नहीं पता कि क्या कहते हैं, लेकिन उसके अंदर पिकल रखते थे जो अचार बना बना के अलग अलग किस्म के, तो मेरी नानी भी करती थी, मेरी नानी को बहुत अच्छे अच्छे अचार बनाना आते थे। तो पहले तो उस कमरे से ना हम बड़े फैसिनेट होते थे कि यार नानी का ये वाला कमरा, इसके अंदर बड़ा ख़जाना है। तो ये तो जब मेरी नानी की डेथ हो गई ना, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, तो उसके बाद ना उस कमरे से पता नहीं क्यों हम सारे बच्चा पार्टी को डर लगता, पहले तो मुझे लगता था शायद मुझे लगता, फिर बाद में पता लगा जी सारों को ही डर लगता है, तो वो मुझे अभी भी दिमाग में हल्का हल्का आता है। अभी मैंने जो है वो चटनी वाली दही बनाई है और ये बना के इसको मिक्स 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 अच्छे से मिक्स कर दिया। इसके अलावा रोटियाँ बन रही थी, रोटियों पर हमारा प्यारा प्यारा मक्खन हमने लगाया है, और रोटियाँ रेडी हैं। इसके अलावा हम लोगों का सालन जो है वो मेथी आलू है, और धुआं ऊपर आया है, कितना मज़े का लगा है यार ये। और ये अभी इसको हम लोग उसमें डालेंगे, क्या कहते हैं इसको, प्लेट्स में डाल लो। चलो जी, सिर्फ लास्ट चीज़ रह गई है वो है ये, इसको अब लेकर चलें रूम के टूवर्ड्स। ये था हमारा डिनर जो हमने कर लिया, और उसके बाद जो मैं पढ़ाई करने लगी थी, पढ़ाई के बाद थोड़ी सी मैंने एक आधी और वीडियो क्लिप जो है वो शूट की थी, उसके बाद सो गई थी मैं। चलो जी, अब जो है ना वो हम चलते हैं अपनी किताब लेकर पढ़ने के लिए, बैठ जाना है और ये अपनी ऐनक शनक लगा के अब सही से बैठ के बस पढ़ते हैं। फैन ऑन कर दें जाके, चिक 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 ऑन हो गया, और अब यहाँ पे बैठ के पढ़ाइयाँ होंगी। पढ़ाई करते करते हो गया मुझे तकरीबन आधा घंटा, और आधे घंटे के बाद मैंने डिसाइड किया है कि जो वो मिंट रायता पड़ा हुआ है ना, तो उस मिंट रायते का क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। अभी मेरे बर्तन भी धोने वाले पड़े हुए हैं, तो उसका कुछ ये करना है। हाँ किधर चलेगा, ये रहा मिंट रायता,
इसकी लस्सी बनानी है मैंने। काफी लोगों को तो पता ही होगा कि मिंट रायता अगर पड़ा हुआ है तो, बल्कि बना भी सकते हैं, तो उसकी लस्सी कैसे बनते हैं जिनको नहीं पता तो आप लोग देख लें, अगर लेफ्ट ओवर है तो तब आप लोग ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज स्पेशल बना के भी पी सकते हैं, गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद होता है स्पेशली पेट के लिए। अच्छा जी, मैंने ये ग्लास में डाल लिया और ग्लास में डालने के बाद अब मैंने इसमें क्या करना है, पानी डाल देना है, ठीक है, ठंडा वाला पानी। ये इसमें जा रहा है, हो गया। चलो जी, ये लेकर दोबारा से स्टडी शडी कर। ये आप लोग देख सकते हैं इसने क्या हरकत की है, जो पानी का ग्लास मैं लेकर आई हूँ अपने लिए, उसे मुंह मार मार के पिए जा रहा है, और इसको दो बार मैं हटा दिया फिर भी हट नहीं रहा है, पूरा पूरा मुंह, पूरा मुंह मार गया तत्ता। क्या है, पानी? पानी। चल बेटा उधर जाओ, खाने का टाइम हो गया, खाना पीना यही काम है, हट ही नहीं रहा तत्ता। भाई जो है वो अपने साथ लेकर आया निहारी, जो कि मैं इधर रखती हूँ, और उसके बाद उसको डालती हूँ उसमें, क्या कहते हैं, बॉल्स में डालती हूँ, और साथ में नान है इसको भी रखती हूँ मैं छाबी पे, और दूध लेकर आया, मैंने चाय ऑलरेडी चाय का पानी रख दिया था, कहवा बन रहा था, और अब जो है मैं चाय बना के लेके जाती हूँ। अच्छा, नानी वाली बात जो है वो थोड़ी सी रह गई थी, क्योंकि उसके आगे जो है वो क्लिप में मैं बोल रही थी, इसलिए मैं वहीं से जो है वो स्टार्ट करती हूँ कि नानी का जो वो वाला कमरा था ना, जब उनकी डेथ के बाद, उससे हम सबको डर लगता था, और हमें पता नहीं क्यों ये कहाँ से छोटे बच्चों की फजूल कहानियाँ दिमाग में आती रहती है ना, तो हमें लगता था यार हम अभी भी उस कमरे में जाएंगे ना तो नानी वहाँ पर बैठी होंगी, और मेरी नानी मोस्टली वाइट कपड़े पहनती थी, वाइट चादर लेती थी, तो हमने कहा वहाँ पर नानी बैठी होंगी, उनके वो जो अचार है जो उसमें वो बनाती थी ना, वही काम वहाँ पर बैठी करेंगी, ये पता नहीं क्या खुरा फाती इसी थाट आती थी दिमाग में। खैर फिर उसके कुछ अरसे के बाद जो है वो घर बिल्कुल चेंज हो गया था, अब तो वो रूम भी वहाँ पे नहीं है, अलग सा कर लिया सारा, तो अभी लेकिन वो मैं दिमाग में जब भी आटा गूंथती हूँ ना तो मुझे नानी दिमाग में ज़रूर आती है, फिर उनका नानी का कमरा भी ज़रूर आता है दिमाग में, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती ना वो आपकी होती हैं, जैसे घर का कोई एक आधा पोर्शन होता है जो आपने उस पर आपकी मलकियत होती है और वो आपका ही होता है, तो फिर उसको आपसे ही याद किया जा रहा होता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कपड़े भी हो सकते हैं, वो जगह भी हो सकती है, कुछ भी होता है, तो फिर वो आपको वो बंदा उस चीज़ से आप उसे एसोसिएट करके याद करते हैं। तो अगर आप लोगों के साथ भी कोई ऐसी स्टोरी है तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है, करनी है कमेंट करके, जब भी ये वीडियो देखनी है तो कोई ना कोई स्टोरी इस तरह की जो दादी नानी या किसी से भी रिलेटेड हो वो आप लोगों ने मुझे शेयर करनी है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में, ओके। वैसे मैंने आप लोगों को ना इन्फॉर्मेशन देनी थी निहारी के बारे में कि भाई कहाँ से लेकर आएँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़े की थी, लेकिन अब मेरे दिमाग से ना स्लिप हो चुका है, आई जस्ट फॉरगेट इट कि कहाँ से लेकर आए थे, तो मैं दोबारा से इन्फॉर्मेशन लेकर ना आप लोगों के साथ कल की वीडियो में ये निहारी का शेयर कर दूँगी। निहारी को इसमें मैंने डिश आउट कर लिया, निहारी का कलर कितना ज़्यादा अच्छा है यार माशाल्लाह, और उसके अलावा उसमें नींबू शिम्बू ऐसी चीज़ें होंगी, और मेरी चाय का भी कलर आप लोग देख सकते हैं, बस ये चाय बन जाए फिर इसको लेके चलता है भाई के लिए, भाई के साथ जाके बैठ के करूँगी। मैंने ऑलरेडी मेथी के जो है ना वो पराठे बनाए हुए थे और वो खा रही थी, तो अभी मैंने दो चार बाइट्स ही ली थी कि भाई आ गए, और अब मैं ये भी खाऊंगी वो भी खाऊंगी, सब खा जाऊंगी। तत्तू को इतनी बार उठाया लेकिन वो उठ ही नहीं है, और उसका रीज़न ये है कि तत्तू ना वो करवाने के लिए गई हुई थी वैक्सीनेशन, तो उसको कोरोना वैक्सीनेशन लग गई है, तो अब जो है ना वो तसल्ली से सो रही है, लेकिन उसने वैसे तो कह रही थी कि सब नॉर्मल है, लेकिन उसके साथ ये हो रहा है कि उसे बार बार खांसी हो रही है अभी। अब आई डोंट नो कि इट्स साइड, दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीन, या फिर उसको वैसे ही फील हो रहा है, क्योंकि एग्जॉस्ट भी हो जाता है, बंदा थक जाता है, इतनी लंबी लाइन होती है, बहुत लंबी लाइन होती है वहाँ पर, तो अब वो इस रीज़न की वजह से है कि कोरोना के साइड इफ़ेक्ट्स हैं या पता नहीं क्या है, एग्जॉशन रीज़न हो सकता है, पता नहीं अब, लेकिन वो कह रही है उसे खांसी हो रही है, हार्ट बीट थोड़ी उसकी जो है वो तेज़ हो रही है, तो वो ये रीज़न्स है। अभी भाई आए हैं तो भाई किसी डॉक्टर से भी पता करेंगे, हमारे एक डॉक्टर हैं यहाँ पे भाई के फ्रेंड, तो भाई उनसे पता कर लेते हैं, तो उनसे पूछेंगे ये नॉर्मल है कि नहीं, अगर नॉर्मल है तो फिर तो सही है, लेकिन नहीं तो अभी तत्तू को मैंने ज़बरदस्ती बोला भी ये कुछ खाओ ताकि तुम थोड़ा ना अच्छा फील करो, लेकिन खाया उससे कख भी नहीं है।
ये जब हम हजम कर गए थे ना, उसके बाद हमें याद आया था कि क्लिप भी बनाना है, तो मेरे भाई ने थोड़ी सी क्लिप बना दी थी, लेकिन ये हम लोग तब खा चुके थे। आई एम सॉरी, मैं दिखा भी नहीं पाई, लेकिन मैंने पहले आप लोगों को सारी निहारी की दिखा दी है ना जब डाल रही थी। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है।